चले दोस्तों दिखा देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से लगेगा, ये कुछ इस प्रकार से। और ये दोस्तों हमें ये जो नट है, अब हमें ये लगाना होगा यहाँ पे। ये जो स्क्रू है दोस्तों, ये हमें यहाँ पे फिट करना होगा। पहले ये मैकेनिज्म खोलना होगा दोस्तों, उसके लिए अब दोस्तों हमें पैनल लगाना होगा। और उसके बाद दोस्तों ये जो मेन वाला पैनल का नट है वो लगा लेना होगा, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। ये अपनी पल्सर 220। तो इसमें दोस्तों राइट साइड का जो पैनल है उसका जो स्क्रू है वो जैम हो चुका है। तो आज के वीडियो में वही अपन देखेंगे, उसे निकालेंगे और उसे प्रॉपर तरीके से फिट करेंगे। तो चले आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका रियल वाला पैनल है, और ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। तो मतलब दोस्तों ये यहाँ से इसका जो स्क्रू है वो जैम हो चुका है, और दोस्तों कई कोशिश के कारण ये निकल नहीं रहा है। जैसे कि देख सकते हो, हमने यहाँ पे काफ़ी कोशिश की थी निकालने की। तो अभी दोस्तों हमारे पास स्पेशल टूल है, उससे निकालेंगे। तो दोस्तों स्क्रू ड्राइवर की मदद से तो ये निकला नहीं। तो अभी दोस्तों हमारे पास जो स्पेशल टूल है, जैसे कि आपने वीडियो में है, तो जैसे कि दोस्तों आपने उसकी अनबॉक्सिंग देखी होगी, हमारे चैनल पे है। और दोस्तों आपने उसकी अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो आप उसकी अनबॉक्सिंग देखिएगा। वो स्पेशल टूल की मदद से खोलेंगे दोस्तों अपन इसे, तो आपको बताएंगे। एक बार दोस्तों आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से दिखा देते हैं इसे खोल के। दोस्तों स्क्रू ड्राइवर जैसे कि देख सकते हो आप, ये कुछ इस प्रकार से। हम जैसे दोस्तों इसे प्रेस करके खोलने की कोशिश करते हैं तो ये यहाँ से निकल जाता है, सटक जाता है, जैसे कि देख सकते हो। उसके कारण दोस्तों ये हमारा जो स्क्रू है वो ख़राब हो रहा है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, ये हमने काफ़ी कोशिश की थी इसे निकालने की, पर ये कुछ इस तरीके से नहीं निकल रहा है। मतलब दोस्तों ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से नहीं निकल रहा है दोस्तों। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये कुछ इस प्रकार से ओपन हो चुका है दोस्तों। और अंदर में दोस्तों जो ये स्क्रू है, जैसे कि देख सकते हो आप, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये दोस्तों स्क्रू की जगह, ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से। पर ये मेन वाले जो स्क्रू है दोस्तों, ये वाला स्क्रू है, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, जो ये वाला स्क्रू है दोस्तों, पर इसकी जगह नहीं है दोस्तों। ये इसके यहाँ पे दोस्तों एक मैकेनिज्म लगा होता है, जैसे कि देख सकते हो आप, ये स्क्रू अपना यहाँ से, ये स्क्रू अपना यहाँ से निकल चुका है। पहले दोस्तों इसे हमें निकालना होगा, ये स्क्रू को निकालना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें ये स्क्रू फिट करना होगा, जैसे कि देख सकते हो आप, तब जाके दोस्तों ये हमारा स्क्रू इसमें फिट होगा, जैसे कि देख सकते हो दोस्तों। आप आपको पलटा के दिखा देता हूँ। और ये जो स्क्रू है दोस्तों, अपना मेन वाला स्क्रू है, इसकी जगह दोस्तों अपने जगह पर ही है, जैसे कि देख सकते हो आप, ये कुछ इस प्रकार से। मतलब दोस्तों इसे खोल कर ही दोस्तों ये फिक्स होगा। और इसकी जगह दोस्तों ये वाली स्क्रू है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, जैसे कि ये ऐसा पैनल लग जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से पैनल लग गया है, तो ये कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो अंदर में, ये जो स्क्रू है दोस्तों, ये हमें यहाँ पे फिट करना होगा। पहले ये मैकेनिज्म खोलना होगा दोस्तों, उसके लिए दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से ये खोलना ज़रूरी है हमें। तो ये खोल लेते हैं दोस्तों, फिर आपको दिखाते हैं। तो इसे खोलने के लिए दोस्तों हमने ये प्रॉपर टूल्स है हमारे पास, जैसे कि देख सकते हो आप, इसके मदद से ये आसानी से खुल जाएगा। तो पहले ये खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो यही सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा है तो दोस्तों इस वीडियो में देख कर आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलो इसे खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो इसे खोलने के लिए दोस्तों हमें ये टूल्स लगेगा। तो इसे निकाल लेते हैं और इसे रखते हैं साइड में। तो ये कुछ इस प्रकार से। और स्क्रू ड्राइवर की मदद से तो ये खुला नहीं दोस्तों, पर ये इसके मदद से आसानी से खुल गया, जैसे कि देख सकते हो आप। अब ये खोलने के बाद दोस्तों ये जो मैकेनिज्म है इसका, ये निकल चुका है, जैसे कि ये स्क्रू है ये भी निकल चुका है दोस्तों ये यहाँ से। तो ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से है इसका मैकेनिज्म। पहले इसे निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये स्क्रू हमने यहाँ पे है, तो ये निकाल लेते हैं। और ये स्क्रू की वजह से ही दोस्तों हमारा पैनल नहीं लग रहा था। अगर दोस्तों आपका स्क्रू इसका इससे नहीं खोल रहा है, तो और बहुत सारे चीज़ है दोस्तों इसमें, जैसे कि देख सकते हो आप। तो उससे खोलने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसके जो पॉइंट होते हैं ये भी काफ़ी नाजुक होते हैं। ये बोल्ट के कारण आपका ये भी डैमेज हो सकता है इस कारण से। तो ये कुछ इस प्रकार से खुल चुका है। और ये दोस्तों हमारा
ये कुछ इस प्रकार से स्क्रू है और इसका मैकेनिज्म कुछ ये है। तो ये तो हो चुका है दोस्तों हमारा रिलीज, अभी इसका कोई काम नहीं है दोस्तों, इसे हम साइड में ही रखेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से है, ये कुछ इस प्रकार से ऐसा लग जाता है। तो अभी दोस्तों ये वाला स्क्रू हमें यहाँ पे लगाना होता है, तो चलिए दिखा देते हैं आपको। तो ये वाला दोस्तों कुछ यहाँ पे इस तरीके से लगेगा, जैसे कि देख सकते हो आप, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, एक हाथ से पॉसिबल तो नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा, और ये होल में दोस्तों अपना जो मेन वाला नट है वो लगेगा। तो चले दोस्तों अभी लगा के दिखाते हैं आपको। तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ कैमरे को, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चले दोस्तों दिखा देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से लगेगा, ये कुछ इस प्रकार से। और ये दोस्तों हमें ये जो नट है अब हमें ये लगाना होगा यहाँ पे। तो ये कुछ इस प्रकार से लग जाएगा, और इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसे टाइट कर लेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से, अब ये दोस्तों फिक्स हो चुका है यहाँ पे। तो अब दोस्तों हमें पैनल लगाना होगा, और उसके बाद दोस्तों ये जो मेन वाला पैनल का नट है वो लगा लेना होगा, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। ये प्रॉपर तरीके से फिट कर लिया दोस्तों, अभी जैसे कि देख सकते हो हल भी नहीं रहा है। तो अभी लगाते हैं दोस्तों अपना पैनल। तो ये कुछ इस प्रकार से अपना पैनल है दोस्तों, और इसका स्क्रू जैसे कि देख सकते हो आप। अब दोस्तों ये पैनल अपनी जगह लग जाएगा, जैसे कि देख सकते हो आप, ये कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे अभी दोस्तों ये पैनल फिक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये दोस्तों अपन ने पैनल लगा लिया जैसे कि देख सकते हो आप, और ये कुछ इस प्रकार से अपना यहाँ पे नट लग जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये लग चुका है दोस्तों अपना यहाँ पे स्क्रू, जैसे कि देख सकते हो। अभी इसे फिट कर लेते हैं। तो इसी के मदद से दोस्तों हम इसे अभी फिट कर लेते हैं। और इसे दोस्तों ज़्यादा भी फिट ना कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसे निकालना भी होता है, और ये प्रॉपर तरीके से निकलनी भी चाहिए। तो ये हो चुका है दोस्तों अपना फिट। अभी देखिए दोस्तों ये प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। पहले दोस्तों ये पूरा खुला था अपना, अभी ये प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है दोस्तों। जो दोस्तों इसकी अंदर की जो मैकेनिज्म है तो उसी का कारण था दोस्तों ये फिट नहीं हो रहा था और ये जैम हो चुका था। तो दोस्तों आपका भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है तो आप इसे घर पे भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो, और दोस्तों कुछ वीडियो में रहा तो उसके लिए माफी चाहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।